हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में मैं बनाने वाला एक आइस मेकिंग मशीन, इसे कैसे बनाते हैं इसकी पूरी डिटेल्स मैंने इस वीडियो में दिखाई है, तो इस वीडियो के एंड तक जरूर देखना। ओके, तो फ्रेंड्स, एक गैजेट बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ने वाली है पेल्टियर मॉड्यूल की। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पेल्टियर मॉड्यूल क्या होता है। तो पेल्टियर मॉड्यूल एक थर्मो इलेक्ट्रिक डिवाइस है जिसमें सेमीकंडक्टर्स होते हैं, और जब भी हम इसमें वोल्टेज अप्लाई करते हैं तब इसकी एक साइड बहुत ही गर्म होती है और दूसरी साइड बहुत ही ठंडी होती है। जो साइड गर्म होती है उस साइड को हम हीट सिंक लगा के उसका टेम्परेचर कम करते हैं, और दूसरी साइड जो ठंडी होती है उसका यूज करके हम बहुत सारे गैजेट्स बना सकते हैं, जैसे कि एयर कूलर, वाटर कूलर, फ्रिज। फ्रेंड्स, पेल्टियर मॉड्यूल की ये वाली साइड ठंडी होती है और दूसरी वाली साइड गर्म होती है। तो फ्रेंड्स, गर्म होने वाले साइड पर मैं ये वाला हीट सिंक यूज करने वाला हूँ। ये हीट सिंक आपको कंप्यूटर रिपेयर शॉप में आसानी से मिल जाएगा, नहीं तो आप ये वाला सेटअप भी यूज कर सकते हो। इसकी बाय लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो इसे चेक जरूर करना। ओके, तो फ्रेंड्स, हीट सिंक के इस साइड पे हम पेल्टियर मॉड्यूल की गर्म वाली साइड चिपकाने वाली है, और हीट सिंक के दूसरे वाले साइड पे हम 12 वोल्ट का एक सीपीयू फैन लगाने वाले है। तो फाइनली कुछ इस तरीके का हमारा सेटअप होने वाला है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं पेल्टियर मॉड्यूल को अच्छी तरीके से चिपकाने के लिए एक थर्मल पेस्ट का यूज करने वाला हूँ, एंड इसकी बाय लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। यहाँ पर मैं एक छोटी प्लेट पेल्टियर मॉड्यूल के ठंडे वाले साइड पे लगाने वाला हूँ जिसमें हम आइस बनाने वाले है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने पीवीसी पाइप का यूज करके दो क्लैंप्स बनाए हैं, जिनका यूज करके हम ये सारा सेटअप होल्ड करेंगे। इसकी सर्किट डायग्राम एंड सेटअप की डायग्राम मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप डायरेक्टली उसे देखकर ही पूरा सेटअप करना। फ्रेंड्स, ये 12 वोल्ट एंड 8 एम्पीयर की होममेड लिथियम बैटरी है, एंड इसकी वीडियो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका सेटअप कम्प्लीटली रेडी हो चुका है, अब हम इसकी वर्किंग देखेंगे। फ्रेंड्स, इस पेल्टियर मॉड्यूल को वर्क करने के लिए 12 वोल्ट एंड मिनिमम 6 एम्पीयर करंट की जरूरत होती है। फ्रेंड्स, मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि इस सेटअप का यूज करके मैं नेक्स्ट कौन सी वीडियो बनाऊं, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर।